आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्यार के लिए तोड़ दी मजहब की दीवार, ऐसा ही मामला सामने आया है बागपत से, जहां आशमा ने हिंदू धर्म अपनाकर आर्य समाज मंदिर में की शादी। मेरठ के परीक्षितगढ़ निवासी विशाल सिंह ने बताया कि 3 साल पहले निवाड़ा गाँव की आशमा से उसे प्यार हो गया था, जिसके चलते दोनों ने शादी का निर्णय लिया। लेकिन 1.5 माह पहले युवती के परिजनों को जब इसका पता चला तो दोनों घर से भाग निकले। आशमा ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम आशा रख लिया और मुजफ्फरनगर के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। वे मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में कमरा लेकर रहने लगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर कोर्ट में शादी पंजीकृत कराई। सोमवार को पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है, उस पर किसी ने दबाव नहीं बनाया और वह अपने पति के साथ ही रहेगी। पुलिस ने बताया कि युवती के बयान न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं देंगी प्रधानमंत्री मोदी का साथ, किया खुलकर समर्थन। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुरीति से निजात दिलाई है। मुस्लिम महिलाएं एक बार फिर वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को ही जिताना चाहती हैं। 2014 के इलेक्शन में भारी मतों से बनारस से मोदी जी चुनाव जीते और इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी बनारस चुनाव लड़े और हम मुस्लिम बहनें खुल करके मोदी जी के साथ देंगे, क्योंकि एक बड़े भाई की तरह उन्होंने 3 तलाक जैसी कुरीति पर उन्होंने हमारा साथ दिया और अब वक्त आ गया है कर्ज चुकाने का। इस बार बहनें उनका खुलकर साथ देंगी और खुलकर मतदान करेंगी। इस बार मोदी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।